नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 के रिगार्डिंग। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, RRB टेक्नीशियन FAQ 2 नोटिस जारी। जी हाँ दोस्तों, फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा CA नंबर 02/2024 का FAQ नोटिस जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे टेक्नीशियन का ही फॉर्म फिलअप कौन कौन अभ्यर्थी कर सकते हैं, ऑफिशियल अपडेट आ गया। तो इसमें सारे चीज़ मेंशन किया गया है कि कौन कौन अभ्यर्थी भर सकते हैं, कौन चेंज कर सकते हैं, किनको क्या करना है। तो इन सारे सवालों का जवाब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ऑफिशियल तौर पर दिया गया है, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। दोस्तों ये रहा ऑफिशियल नोटिस, यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन CA नंबर 02/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 कॉरिजेंडम एडेंडम नंबर 2 डेटेड 27/9/2024 इंपॉर्टेंट नोटिस अटेंशन टू कैंडिडेट CA नंबर 02/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 डेटेड 27/9/2024। तो दोस्तों 27/9/2024 की डेट में इसका कॉरिजेंडम नोटिस जारी किया गया था री फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पॉइंट पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है कि जो री फॉर्म स्टार्ट हो रहा है कब से शुरू हो रहा है, इसका जवाब देख सकते हैं 2/10/2024 यानी आज से शुरू हो रहा है। इसका लास्ट डेट कब है तो देख सकते हैं यहाँ पे 16/10/2024 को रात्रि 23:59 अवस्था का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि डू एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट नीड टू पे एप्लीकेशन फी अगेन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो अभ्यर्थी पहले पेमेंट कर दी है उनको पुनः पेमेंट करने की आवश्यकता है, तो आंसर है नहीं। जो अभ्यर्थी फॉर्म पहले से अप्लाई कर रहे हैं उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना जोन चेंज कर सकते हैं। चार नंबर प्रश्न है डू एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट कैन बी चेंज RRB एंड ऐड मॉडिफाई द पोस्ट प्रिफ्रेंस फॉर ऑल द कैटेगरी नोटिफाइड CA नंबर 02/2040। तो दोस्तों यहाँ पे जो अभ्यर्थी यहाँ पे पहले फॉर्म अप्लाई किए थे वो अपना पोस्ट प्रिफ्रेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अब जो पोस्ट संख्या हो गया है कुल मिलाकर 40 प्रकार के पोस्ट है, आप उसके पोस्ट प्रिफ्रेंस दे सकते हैं और RRB को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ मेंशन किया गया है यस एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट कैन चेंज RRB मॉडिफाई द पोस्ट प्रिफ्रेंस फॉर ऑल द कैटेगरी नोटिफाइड CA नंबर 02/2040 इफ एलिजिबल। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट कहा जा सकता है, फाइनली सभी अभ्यर्थियों के लिए विंडो ओपन कर दिया गया है। अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं किए तो कर न्यू तरीके से कर सकते हैं, अगर आप जोन चेंज करना चाहते हैं तो जोन चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप पोस्ट प्रिफ्रेंस चेंज करना चाहते हैं तो पोस्ट प्रिफ्रेंस चेंज कर दें। नेक्स्ट है डू एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट गेट एक्सेप्ट फॉर ऑल फील्ड। तो यहाँ बता सकते हैं जो अभ्यर्थी यहाँ पे पहले से पेमेंट कर रखे हैं उनको क्या क्या यहाँ पे अलाउ होगा। दे विल गेट एक्सेस ओनली द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, री अपलोडिंग द फोटोग्राफ सिग्नेचर चेंज ऑफ RRB पोस्ट प्रिफ्रेंस ऑल द टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैटेगरी नंबर यहाँ पे सकते हैं 2/40/4 डिटेल्स प्लीज रेफर पारा नंबर 3 इंपॉर्टेंट नोटिस 27/9/2024। तो दोस्तों जो अभ्यर्थी पहले से पेमेंट कर रखे हैं यानी फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं क्या क्या चेंज कर सकते हैं देख सकते हैं। एजुकेशन पहले क्वालिफिकेशन, री अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर, RRB चेंज कर सकते हैं, पोस्ट प्रिफ्रेंस चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है कैन एग्जिस्टिंग कैंडिडेट सबमिट न्यू एप्लीकेशन। क्या जो पहले फॉर्म भर रखे हुए हैं वो नया फॉर्म भर सकते हैं? तो दोस्तों आप नहीं भर सकते, देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन एज इफ बिल टेंट अमाउंट टू मल्टीपल एप्लीकेशन एज पर पैरा नंबर 1.5 CA नंबर 02/2024 समरली मल्टीपल एप्लीकेशन बिल बी रिजेक्ट फॉर डिटेल्स प्लीज रेफर पारा नंबर यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो अभ्यर्थी पहले फॉर्म टेक्नीशियन के भर चुके थे उनको नया फॉर्म नहीं भरना है, जो भी करेक्शन करना है जो भी अपडेट करना है उसी फॉर्म में करना है, न कि न्यू फॉर्म भर करके। तो ये ध्यान रखिएगा कोई नया अप्लाई नहीं करना है, उसी में आप करेक्शन कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पिछले बार अप्लाई नहीं किए हैं वो भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे विंडो ओपन है, सभी भर्ती इस बार फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आठ नंबर प्रश्न है द क्रूशियल डेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैन कैंडिडेट हु रिजल्ट एक्सपेक्टेड आफ्टर 16/2/2024। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VBI, अब बहुत अभ्यर्थी के यहाँ पे सवाल आ रहे थे, फाइनली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा अपडेट आ गया है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका रिजल्ट 16 अक्टूबर के बाद आता है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी अगर 16 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आता है तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट एग्जिस्टिंग न्यू मस्ट पोजेज देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन
और बिफोर क्लोजिंग डेट विंडो पीरियड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 16/10/2024 कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 16/10/2024 तक कंप्लीट है, फाइनल ईयर कंप्लीट है, तो वो अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं। जिनका उनके बाद रिजल्ट आएगा वो एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, यहाँ पे व्हाट आर पोस्ट प्रेफरेंस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट PWBD फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो दोस्तों जो PWBD कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, अपना यहाँ पे कोरिजेंडम कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, वेयर कैन आई फाइंड ए रिसीव वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो दोस्तों नया जो कोरिजेंडम नोटिस जारी किया गया है उसमें आप डिटेल्स वैकेंसी टेबल देख सकते हैं कि कौन से जोन में कितने वैकेंसी है। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे व्हाट इज द क्रूशियल डेट ऑफ रिनोइंग एज। तो यहाँ पे निर्णायक जो डेट रखा गया है 1/7/2024 एज का रखा गया है, इसी के अनुसार आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा कि आपका मिनिमम एज जो है उसको फॉलो हो रहा है या नहीं, या जो मैक्सिमम एज यहाँ पे क्रिटेरिया रखा गया है उससे ज़्यादा तो नहीं है, इस डेट के अनुसार यहाँ पे काउंट किया जाएगा। व्हाट इज द क्रूशियल डेट ऑफ क्लेम SC/ST/OBC/EWS। जिनके पास में SC/ST/OBC/EWS कैंडिडेट अगर 16/10/2024 के पहले का है तो आप एलिजिबल है। व्हाट इज द क्रूशियल डेट ऑफ PWBD सर्टिफिकेट, PWBD का यहाँ पे देख सकते हैं 16/10/2024 तक है, और IAM करेंटली सर्विंग इन द आर्मेड फोर्स उसके भी डेट यहाँ पे देख सकते हैं 15/10/2024 यहाँ पे माना गया है कि डेट ऑफ डिस्चार्ज शुड बी ऑन बिफोर 15/10/2024। तो जिनका डिस्चार्ज 15/10/2024 के डेट में हो गया है तो वो एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। व्हाट आर डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन विंडो जो है 17/10/2024 से 21/10/2024 तक रहेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पे 15 प्रश्न दिए गए हैं, और जो FAQ फर्स्ट जारी किया गया था उसमें और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है। तो दोस्तों यही अपडेट था यहाँ पे। फाइनली अगर पूरा रिव्यू देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि नए अभ्यर्थी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन 16/10/2024 तक अवेलेबल है। दूसरा, जो पहले से अभ्यर्थी फॉर्म भर रखे हैं, पेमेंट कर रखे हैं, वो भी अपना RRB चेंज कर सकते हैं, अपना पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। वही PWBD कैंडिडेट और जो एक सर्विसमैन हैं उनका भी सर्टिफिकेट के बाद कहा गया है कि अगर 16/10/2024 तक उनके पास में अगर है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही एक सर्विसमैन का भी बात कहा गया है कि जिनका जो रिटायरमेंट अगर 15/10/2024 तक हो जाता है वो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों यही अपडेट था, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।